हेलो स्टूडेंट्स, आज एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कंपनी अकाउंटिंग से संबंधित है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंपनी। कंपनी के रिकंस्ट्रक्शन से आशय उसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज करने से होता है। पहले से जो स्थापित कंपनियां होती हैं, तो ऐसी कंपनियां कभी कभी अत्यधिक लॉस के कारण बहुत तरह के फिक्टिशियस एसेट्स का बोझ बढ़ जाने के कारण बहुत तरह का एक्युमुलेटेड लॉस वगैरह हो जाने के कारण, कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर हो जाने के कारण ये अपने बिजनेस एक्टिविटीज को रन करने में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगती है। ऐसी स्थिति में कंपनियों का रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस अपनाया जाता है, जो कि दो प्रकार के होते हैं। कंपनी के रिकंस्ट्रक्शन के दो स्वरूप देखने को मिलते हैं। कंपनी का एक रिकंस्ट्रक्शन ऐसा होता है जिसमें एग्जिस्टिंग कंपनी को बगैर समाप्त किए हुए, बगैर लिक्विडेट किए हुए, केवल उसके कैपिटल स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज किया जाए। और दूसरा जो रिकंस्ट्रक्शन होता है उसमें एग्जिस्टिंग कंपनी को लिक्विडेट करके, यानी कि पूर्णतः समाप्त करके, उसके स्थान पर एक नए कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो और एग्जिस्टिंग कंपनी के एसेट्स लायबिलिटीज को उस न्यू कंपनी को ट्रांसफर कर दिया जाए। तो इसमें रिकंस्ट्रक्शन का वह स्वरूप जिसमें एग्जिस्टिंग कंपनी का लिक्विडेशन नहीं होता है, उसको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहा जाता है। और रिकंस्ट्रक्शन का वैसा स्वरूप जिसमें एग्जिस्टिंग कंपनी का लिक्विडेशन करके एक नए कंपनी का फॉर्मेशन किया जाता है, उसको एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कहा जाता है। तो एक बार जो डिफिनेशन लिखा गया है उसको हम लोग स्पष्ट ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। रिकंस्ट्रक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, आइदर बाय वाइंडिंग अप और विदाउट वाइंडिंग अप द एग्जिस्टिंग कंपनी। कहने का मतलब यह हो गया कि रिकंस्ट्रक्शन जो हो गया वो एक कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का रीऑर्गेनाइजेशन होता है, जो एग्जिस्टिंग कंपनी को समाप्त करके भी किया जा सकता है या फिर उसको बगैर समाप्त किए हुए भी किया जा सकता है। और इस प्रकार टाइप्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी दो प्रकार के हो गए, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी का मतलब क्या हुआ? कंपनी का वैसा रिकंस्ट्रक्शन जिसमें जो चालू कंपनी रहती है, वर्तमान कंपनी रहती है, जो कंपनी पहले से कार्य कर रही होती है, उसका लिक्विडेशन नहीं होता है। वो कंपनी पूर्ववत अपना काम करते रहेगी, उसके कैपिटल स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी रेफर्स टू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर विदाउट लिक्विडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। एग्जिस्टिंग कंपनी को बगैर समाप्त किए हुए उसके कैपिटल स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज करना, रिकंस्ट्रक्ट करना, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी कहलाता है। तो फीचर्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के क्या फीचर्स हैं? तो एक प्रधान फीचर, प्रमुख फीचर्स तो यह हो गया कि इसमें एग्जिस्टिंग कंपनी का लिक्विडेशन नहीं होता है, नए कंपनी का फॉर्मेशन नहीं होता है। और इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन द
the existing company does not go into liquidation, new company is not formed, it involves restructuring the capital structure. मतलब कि internal reconstruction के अंतर्गत तीन बातें हो गई, capital structure का reconstructing करना, दूसरा हो गया कि existing company का liquidation न करना, तीसरा हो गया किसी भी new company का formation न करना. इसके बाद हम लोग अब देखेंगे कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के क्या कंडीशन है और उस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंतर्गत किन बातों को हम लोग को स्टडी करना होता है. कंडीशन ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हम करते क्यों हैं, तो जैसा कि प्रारंभ में हमने बताया था कि जब कंपनी के पास बहुत ज़्यादा एक्युमुलेटेड लॉस जाता है, बहुत तरह के फिक्टिशियस एसेट्स आते हैं, कंपनी लगातार इधर कुछ समय से मतलब कि अकर कर रही है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का हेल्प लेकर के और कंपनी में एक नया जान नया जीवन डालने का प्रयास करते हैं. तो टू राइट ऑफ एक्युमुलेटेड लॉस और एबनॉर्मल लॉसेस, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एबनॉर्मल लॉसेस या फिर जो एक्युमुलेटेड लॉसेस होते हैं, एक्युमुलेटेड लॉस का मतलब होता है कि विगत कुछ वर्षों का लॉस जो जमा करके रखे हैं, और एबनॉर्मल लॉस का मतलब होता है जो किसी एबनॉर्मल एक्टिविटी के हो जाने से जो लॉस अकर होता है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाना, आग से किसी तरह का लॉस हो जाना, मतलब इस तरह के जो लॉसेज होते हैं उसको हम एबनॉर्मल लॉस कहते हैं. तो एक्युमुलेटेड लॉस और एबनॉर्मल लॉस को राइट ऑफ करने के व्यू से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है. टू राइट ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब होता है बनावटी संपत्तियाँ जो वास्तव में संपत्ति होती नहीं है लेकिन बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में दर्शाया जाता है. जैसे कंपनी के स्थापना काल के क्रम में चुकाया गया प्रारंभिक व्यय यानी कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट और शेयर्स डिवेंचर्स, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, ये सब फिक्टिशियस एसेट्स के एग्जांपल होते हैं. इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं बट वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्री प्रेजेंट होते हैं. जैसे कोई लाइसेंस हो गया, पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, गुडविल हो गया, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल होते हैं. तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का एक जो व्यू होता है, जो एम होता है, वो यह होता है कि जो कंपनी के पास फिक्टिशियस एसेट्स है और जो इंटेंजिबल एसेट्स है तो उसको राइट ऑफ करना, ताकि कंपनी जो है आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन मतलब कि बिल्कुल एक नए ढंग से नए रूप में अपना काम करे. टू चेंज इन फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, कभी कभी शेयर्स के फेस वैल्यू को चेंज करना जरूरी होता है ताकि नए नए इन्वेस्टर को कंपनी की तरफ उसको अट्रैक्ट किया जाए, वो अपना जो इन्वेस्टमेंट कंपनी में करे. टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर, कभी कभी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है ना बड़ा जटिल हो जाता है, तो उसको सरल बनाने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए, या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर कभी कभी क्या हो जाता है ना कि अनफेवरेबल हो जाता है, वो अनबैलेंस्ड हो जाता है, तो फिर उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का सहारा लिया जाता है. तो इन तमाम के बीच में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो मौजूद रहती है, उसका लिक्विडेशन नहीं होता. ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है. और रिकंस्ट्रक्शन का वह रूप जिसमें एग्जिस्टिंग कंपनी पूर्णतः समाप्त जाती है और उसके जगह पर नए कंपनी का फॉर्मेशन होता है, तो उसको एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कहा जाता है, जिस पर अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं. अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जो सब्जेक्ट मैटर होता है, यानी कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंतर्गत हम मुख्य रूप से दो बातें करते हैं. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के दो सब्जेक्ट मैटर होते हैं, एक अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल और दूसरा रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल.
अंश पूंजी में परिवर्तन करना और अंश पूंजी को कम करना, यानी कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हम जो काम करते हैं उसको दो भागों में बांटा जाता है, उसके दो रूप दो स्वरूप हो सकते हैं। अंश पूंजी में परिवर्तन करते हुए हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन संपन्न कर सकते हैं और फिर अंश पूंजी को कम करते हुए हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो जब हम अंश पूंजी में परिवर्तन करते हैं और जब अंश पूंजी में परिवर्तन करके हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया को अपनाते हैं तो वैसी स्थिति में जो संस्था का पेडअप कैपिटल होता है, जो कंपनी का पेडअप कैपिटल होता है, वो नहीं इफेक्टेड होता है। कंपनी के पेडअप कैपिटल को इफेक्टेड करते हुए जब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना होता है तो ऐसी स्थिति में रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करना होता है। तो अब यहां से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन दो तरफ बट जाता है, एक अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल और दूसरा रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, जो नेक्स्ट दो अलग अलग लेक्चर सीरीज में इसको संपन्न किया जाएगा। मतलब कि अगला जो हम लोग का जो लेक्चर सीरीज होगा, सेकंड क्लास जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी का होगा, वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंतर्गत अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल के लिए होगा। इस क्लास को यही समाप्त किया जाता है, फिर नेक्स्ट क्लास में अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर एक क्लास होगा जिसमें हम लोग रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के अंतर्गत चर्चा करेंगे।